हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो SQL सर्वर को लेकर के है और आज के इस वीडियो में हम SQL सर्वर के कमांड्स के बारे में सीखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी जाता है। ठीक है, और SQL सर्वर पर आधारित कई बार कमेंट्स भी आया था कि सर इस पे भी वीडियोस बनाइए। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं SQL सर्वर फिर से। तो यहां पर SQL सर्वर माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में ओपन करता हूं। इसे आपको इंस्टॉल करना होगा, ये कम्युनिटी एडिशन है। कम्युनिटी एडिशन को आप फ्री में इंस्टॉल कर सकते हैं और इंस्टॉल करके इसे यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लाइसेंस वर्जन इसका चाहते हैं तो इसके लिए अलग प्रोसीजर है। फिलहाल ये ओपन हो गया है, याद रखिएगा जब भी इसे ओपन करिएगा तो कनेक्ट रहिएगा इंटरनेट से और यहाँ कनेक्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही कनेक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से ओपन हो जाता है। अब बहुत आसान है इसमें भी काम करना। अगर आप डेटाबेस बनाना चाहते हैं तो या तो आप SQL पे चले जाइए, ये क्वेरी बना लीजिए, और नहीं तो यहां से भी जा सकते हैं। तो कितना आसान है देखिए, यहां पर अगर क्वेरी बनाना चाहते हैं तो न्यू क्वेरी पे चले जाइए। जैसे न्यू क्वेरी पे जाते हैं तो ये ओपन होता है इस तरीके से। अब यहां पर आपको तो बना हुआ नहीं है तो यहां पर लिखना है क्रिएट डेटाबेस। ठीक है, इस तरीके से लिखिएगा क्रिएट डेटाबेस और यहां पर डेटाबेस का नाम आएगा। तो मान लीजिए मैं डेटाबेस बना रहा हूं प्रोडक्ट का, तो ये लिख दिया हमने प्रोडक्ट इस तरीके से, और यहाँ पे डी दे देता हूं ताकि पता चलता रहे कि ये डेटाबेस है। और यहाँ पे टर्मिनेशन देना है, ये सब चीजें बहुत ज्यादा कंपलसरी है, ये सब चीजों को ध्यान रखना होगा। और यहां पर आपको मिलेगा एक्सिक्यूट का बटन, तो यहां पे क्लिक कर दीजिएगा या F5 भी प्रेस कर सकते हैं जो कि शॉर्टकट की है। तो क्लिक करिएगा तो यहां पर देखिए कंप्लीटेड सक्सेसफुली, कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली लिखा हुआ आ गया, यानी हमारा डेटाबेस बन गया है। किस नाम से बना है? प्रोडक्ट डी नाम से हमारा डेटाबेस बन करके तैयार हो गया है। अब इसको हमें यूज में लेना है, तो हम यहां क्या यूज करेंगे, यूज नाम का एक कीवर्ड आता है उसे यूज कर लेंगे और यहां क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट डी। हम किसको यूज करने जा रहे हैं? प्रोडक्ट डी को। तो यहां पे प्रोडक्ट डी कर दिया हमने और यहां से इसे एक्सिक्यूट कर देंगे। तो देखिए ये फिर कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली हो गया, यानी ये एक्सिक्यूट हो गया, यानी अब हम कौन से डेटाबेस में आ चुके हैं, प्रोडक्ट डी वाले डेटाबेस में आ चुके हैं। ठीक है, अब क्या करना है, अब जैसे ही प्रोडक्ट डी वाले डेटाबेस में हम एंटर होते हैं तो पहला काम होता है टेबल बनाना। तो टेबल क्रिएशन यहां से क्रिएट कमांड से होगा। ठीक है, मैंने आपको इससे पहले बताया है कि DDL, DML, TCL, DQL अलग अलग टाइप के ये कमांड्स होते हैं जिनके हम स्टेटमेंट यहां पे लिख रहे हैं। जैसे कि क्रिएट एक स्टेटमेंट है जो कि टेबल बनाने के लिए यूज होता है, तो यहां पे आपको सिर्फ क्रिएट नहीं लिखना होगा, क्रिएट टेबल लिखना होगा। ठीक है, और फिर टेबल का नाम देना होगा। तो जैसे मान लीजिए टेबल है हमारा प्रोडक्ट टी नाम से, डेटाबेस बनाया प्रोडक्ट डी नाम से और टेबल बना रहे हैं प्रोडक्ट टी नाम से, तो ये प्रोडक्ट टी हो गया। और यहां पर आप सिंगल टेट कॉमा ओपन करिएगा और यहां पर प्रोडक्ट की आईडी आएगी, तो यहां पे कर देता हूं प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी, अंडरस्कोर लगा के रखिएगा क्योंकि गैप एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। और ये ध्यान रखना है कि यहां पर कोई आपको सिंगल टेट कॉमा या डबल टेट कॉमा नहीं देना है, क्योंकि यहां तो अभी हमें डिसाइड करना है ना कि डेटा टाइप क्या होगा इसका। तो यहां पे डेटा टाइप इसका रख लेते हैं वेयर कैर, क्या रख देते हैं वेयर कैर रख देते हैं, तो ये रख दिया वेयर कैर और इसकी साइज रख देते हैं 20। ठीक है, इसे बंद करते हैं और यहां पर कॉमा लगा देते हैं। आप चाहे तो इसे प्राइमरी की बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे प्राइमरी की? यहां लिखेंगे प्राइमरी की। ठीक है, ये लिख दिया प्राइमरी की, तो ये प्राइमरी की बन जाएगा। अब यहां कॉमा दे देते हैं, कॉमा देने के बाद यहां पे कर देते हैं नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर प्रोडक्ट, PRODUCT। ठीक है, देख सकते हैं ये नेम ऑफ प्रोडक्ट हो गया। अब नेम ऑफ प्रोडक्ट कौन सा डेटा टाइप होगा, तो ये भी होगा वेयर कैर, आप कैर भी रख सकते हैं और यहां साइज इसकी 30 कर देते हैं। फिर यहां पर कॉमा लगा देंगे, फिर यहां प्राइस की बात करेंगे, तो प्राइस यहां पर कौन सा डेटा टाइप होगा, इंटीजर हो सकता है, करेंसी आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में लगाते थे, आप फ्लोट भी रख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, कॉमा लगा दीजिएगा और यहाँ पर क्वांटिटी की बात आएगी, तो क्वांटिटी कौन सा डेटा टाइप होगा, तो यहाँ पे लगाएंगे फ्लोट, FLOAT फ्लोट। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो जाएगा और इसको बंद करके और यहां से टर्मिनेट करेंगे, टर्मिनेट करेंगे और जब इसको चलाएंगे, चलाएंगे कैसे, आपको एक्सिक्यूट करना होगा, तो ये एक्सिक्यूट करेंगे तो ये एक्सिक्यूट हो जाएगा। अब ये एक्सिक्यूट होने के बाद जैसे कि आप MySQL के अंदर करते हैं डिस्क्राइब कर लेते हैं, तो यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं चलेगा, अगर आप चलाएंगे भी तो यहाँ पे नहीं चलेगा। जैसे DESC लिखा और टेबल का नाम अगर हम दे देते हैं प्रोडक्ट PRODUCT, ये प्रोडक्ट टी दे दिया और यहाँ टर्मिनेट करेंगे तो ये एरर जनरेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये एरर ही जनरेट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये काम नहीं करेगा, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे,
तो फिर यहां पर हम आएंगे और यहां पर एक कमांड टाइप करेंगे, जो बता रहा हूं बिल्कुल वही टाइप करना है आपको, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक ना। आपको यहां पर एक्सिक्यूट कमांड चलाना है, क्या चलाना है, exec, ये कमांड जो है आपको चलाना है, और यहां पे लिखना है sp और अंडरस्कोर लगा के लिखना है हेल्प, क्या लिखना है हेल्प, और हेल्प लिख करके एक बार देना है गैप। अब आप देख लीजिए कि आपके टेबल का नाम क्या है, जैसे हमने जो टेबल बनाई थी उसका नाम है प्रोडक्ट टी, तो यहां पर दे देते हैं प्रोडक्ट और फिर यहां दे देते हैं टी, जैसे दिया गया है बिल्कुल वैसे ही आपको दे देना है और यहां पर टर्मिनेट भी कर देना है। और अब इसको चलाना है तो देखते हैं कि काम होता है या नहीं, क्या पता काम हो या ना हो, तो इसको भी एक बार चला के देख ही लेते हैं। तो यहां पे चलाया तो आप देख सकते हैं कि पूरा डेटा का डिस्क्रिप्शन यहां पर आपको दिख रहा है, यहां पे देख सकते हैं ये कौन सा डेटा टाइप है, कितनी लेंथ है, सब कुछ यहां पे बताया जा रहा है। यानी आपको एक्सिक्यूट एसपी अंडरस्कोर हेल्प और फिर टेबल का नाम ही यहां पे देना है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आ रही होगी कि ये कैसे करना है, ठीक है। अब अगर इसके अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट कराना है तो ये तो बड़ा आसान है, इंसर्ट इनटू कर लेंगे तो ये रिकॉर्ड भी इंसर्ट हो जाएंगे, इंसर्ट इनटू करना है आपको। और किस में इंसर्ट करना है, तो प्रोडक्ट टी में, PRODUCT प्रोडक्ट टी, तो ये कर दिया प्रोडक्ट टी करेंगे, डी नहीं, डी तो डेटाबेस है हमारा, तो प्रोडक्ट टी करिएगा, ब्रैकेट को ओपन कर लीजिएगा। अब जो जो फील्ड है उनके नेम आपको यहां पे देने हैं, तो ये हो गया प्रोडक्ट और फिर यहां पे क्या देना है, अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। तो ये हो गया प्रोडक्ट आईडी, फिर कॉमा लगाइएगा, कॉमा लगा करके फिर यहाँ नेम ऑफ प्रोडक्ट करिएगा, तो ये हो गया नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर प्रोडक्ट, ठीक है। लेकिन जैसे लिखा गया बिल्कुल वैसे ही लिखना है, थोड़ा भी इधर उधर करेंगे तो ये मिस्टेक हो जाएगी, तो ये ध्यान दीजिएगा। तो नेम ऑफ प्रोडक्ट हो गया, फिर कॉमा लगा दीजिएगा, कॉमा लगाने के बाद प्राइस और क्वांटिटी की भी बात करनी है, तो ये प्राइस हो गया, कॉमा लगाइए और यहाँ पे क्वांटिटी कर दीजिए QTY, ठीक है, और क्वांटिटी करके इसे बंद कीजिए और एंटर कर दीजिए और यहां पे कर दीजिए वैल्यूज, ब्रैकेट ओपन कीजिए और यहां पर प्रोडक्ट आईडी हमें डालनी है। तो जैसे सपोज कीजिए सिंगल डॉट कॉमा में हम यहां पे कर देते हैं A77, ये हमारी प्रोडक्ट आईडी है, इसको सिंगल डॉट कॉमा में रखना है क्योंकि वायरकेर डेटा टाइप लिया है, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन दिख ही रहा है, ठीक है। अब नेम आएगा तो कॉमा लगा करके नेम में हम यहां कर देते हैं लोकेश, एक नाम यहां पे दे देते हैं, तो ये हमने दे दिया लोकेश, ठीक है। फिर यहां पे कॉमा लगाते हैं, प्राइस की बात करते हैं, तो यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम आएगा, तो यहाँ पे लैपटॉप कर देते हैं, LAPTOP लैपटॉप हो गया, नेम ऑफ प्रोडक्ट में हमने क्या दे दिया, लैपटॉप दे दिया, फिर कॉमा लगा देंगे और कॉमा लगा करके इसकी प्राइस आएगी, तो यहाँ 70,000। अब देखिए जो नंबर है उसको आपको डबल डॉट कॉमा या सिंगल डॉट कॉमा में नहीं देना है, और इसको यहाँ से टर्मिनेशन देना है। अब इसको चलाने की बारी है, चला करके देखेंगे कि ये चल रहा है या नहीं। तो इसको चलाया तो यहाँ पे देखिए एक सिंटेक्स एरर आ रहा है, अब क्यों आ रहा है उसको देखना होगा। तो यहां पर हम देखेंगे कि ये बता रहा है कि इनकरेक्ट, यहां पर कहीं कॉमा मिस्टेक हुआ है, जिसके चलते यहां देखिए दो बार कॉमा लग गया है, जिसके चलते ये सिंटेक्स एरर आ गया। तो चलिए क्वांटिटी भी डालनी है, तो क्वांटिटी हमने जो भी डालना है वो पॉइंट में डालना है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि पहले तो प्राइस है, तो ये तो प्राइस हमने दे ही दिया है, 70,000 दिया था, कॉमा लगाएंगे, क्वांटिटी भी डालना है, तो यहाँ 7.0 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर फ्लोट ले लिया है तो 7.0 कर दिया और यहां से इसको एक्सिक्यूट करा देंगे, तो ये एक्सिक्यूट हो जाएगा। अब फिर वही चला देंगे तो यहां पर सेलेक्ट स्टेटमेंट चलाएंगे, तो ये लिखा सेलेक्ट एस्ट्रिक यानी मल्टीप्लाई वाला साइन लगाइएगा, और मल्टीप्लाई वाला साइन लगा करके आपको क्या करना है, फ्रॉम कौन से टेबल से आएगा, तो प्रोडक्ट PRODUCT टी, इसी से आएगा, यहां पर टर्मिनेशन दे दीजिएगा और अब इसको चलाइएगा ना, तो ये पूरा दिखेगा कि इसमें क्या क्या रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है, तो एक ही रिकॉर्ड है वो आपको दिख ही रहा है। अब मान लीजिए यहां पर आईडी अलग हो जाएगी, ठीक है, यहां पर 71 कर देता हूं और यहां पे लैपटॉप के जगह हम कर देते हैं माउस, MOUSE, ये माउस हो गया और इसकी प्राइस तो बहुत कम हो जाएगी, तो यहां पे 700 कर देते हैं और 7 ही रहने देते हैं, तो ये एक्सिक्यूट हो जाएगा। और जब एक्सिक्यूट हो जाएगा तो यहां से अब आप चलाइएगा तो दो रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएंगे, तो देखिए दो रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहे हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी कि ये कैसे करना है, ठीक है, आगे इस पर वीडियोज आती रहेंगी, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें और साथ ही साथ कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।